Radio Udaan. Flight of life. शुरू हो गया है एंटरटेनमेंट हाउस और शुरू हो गया है शादियों का सीजन, शुरू हो गया है वैलेंटाइन वीक और शुरू हो गया है बच्चों के बोर्ड एग्जाम, जी हाँ, और शुरू हो गया है कुंभ मेला, लेकिन फिर भी मैं हूँ अकेला। जी हाँ, मेरा नाम है दिलखुश दीपक, शो चल रहा है एंटरटेनमेंट हाउस, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, सुनने वाला साथ दिन सुबह सुबह के रोए। आजकल लोग यही तो कर रहे हैं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, एक दूसरे की जिंदगी से खेलना पसंद करते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, जी हाँ, जो ब्रश और क्रश हर महीना बदलते रहते हैं। फिलहाल मैं नहीं बदलने वाला हूँ, बस
ठीक समय पर आपके पास हूँ, ठीक समय पर आपके नजदीक हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, लेके आता हूँ इस गाने के बाद बोर्ड एग्जाम का बवाल। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, मेरे यानी दिलखुश दीपक के साथ अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट हाउस चल रहा है। गुड इवनिंग, मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। वेरी गुड इवनिंग, मेरा नाम है दिलखुश दीपक, एक बार फिर से आ गया हूँ शो एंटरटेनमेंट हाउस लेकर के इस गाने के बाद। लेकिन आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो आज मैं बोर्ड एग्जाम पे ही पूरा बवाल काटने वाला हूँ। जी हाँ, एक दोस्त ने कहा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, एक दोस्त ने कहा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और नकल पर रखना आस, पढ़ाई लिखाई छोड़ के नकल पर रखना आस, रजाई ओढ़ के सो जा, ऊपर वाला करेगा पास। ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बिहार के बच्चों से जो पास तो हो जाते हैं लेकिन कामना करते हैं कि टॉप ना आए। बंद हो जाओगे ससुरे कारागार में, बंद हो जाओगे ससुरे कारागार में, अगर भूल के भी टॉप किया बिहार में। क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पे एक मैं गाना गुनगुनाना चाहूंगा जो खासकर बच्चियों के लिए है जो डर जाते हैं एग्जाम आने पर, तो सुनिए। एग्जाम पास आए दिल घबराए, टीचर न जाने कैसे पेपर बनाए। एग्जाम पास आए दिल घबराए, टीचर न जाने कैसे पेपर बनाए। अब तो मेरा पेन रुक रुक के चलता है, क्या करूं हाय,
कुछ नहीं आता है, क्या करूं कुछ नहीं आता है। इसीलिए कहा था भैया कि पढ़ लिख लिया करो, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। आखिर ये कल आता कब है किसी को पता है कि नहीं? फिलहाल अभी तो एक गाना आ रहा है, सुनते रहिए रेडियो उड़ान मेरे यानी दिलखुश दीपक के साथ, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। My son is 23 years old. He just graduated. Pata hai aapko? He has never really enjoyed his school picnics or family outings. Hum saath to chalte hain, lekin he has never experienced a regular holiday. The things you and me do, see, jaise playing in the sea, exploring new places, it's always been a half experience for him. Bas gaye aur aa gaye. कुछ खास नहीं किया। कई बार तो मैं बहुत डरी हुई भी रहती हूं कि विल देयर बी एनीबॉडी टू हेल्प हिम एट एवरी स्टेज इन हिज लाइफ। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। आई नॉमिनेटेड माय सन फॉर एनेबल ट्रैवल 70 ट्रिप्स टू फ्रीडम। अब वो अपनी पहली रियल हॉलिडे पर जाएगा एंड मे बी ही विल रीलिव ऑल दोज मेमोरीज ऑफ हिज लॉस्ट हॉलीडेज। Nominate your disabled friend or your disabled family member for Enable Travel's 70 Trips to Freedom. Send them on the best holiday of their life. Hello, दोस्तों, मैं मंचली मनीष लेकर आया आपके लिए कॉमेडी शो, कॉमेडी का क्रोकोडाइल। कभी वो हमारा सिलेंडर उठा के ले जाते हैं, वो आके कहते हैं भाई और बहनों सब्सिडी का बोझ सरकारी खजाने पे बढ़ रहा है, इसलिए सिलेंडर सब्सिडी छोड़ दो। मैं बोलिया मोदी जी अपने सीए से ध्यान से चेक करवाओ, वो सब्सिडी का नहीं वर्ल्ड टूर का बोझ होगा। तो इसी तरह हमेशा हंसने के लिए आप सुनते रहिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल संडे शाम 7 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अदा का नजराना हर जुरा को अफसाना हर
हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है शो एंटरटेनमेंट हाउस में। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मेरा नाम है दिलखुश दीपक। एक बार फिर से आपको बोलता हूँ वेरी गुड इवनिंग। और साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के बवाल की। एक लड़का था, 15 मिनट में ही पेपर छोड़ के जाने लगा। उस बच्चे से पूछा गया कि पेपर नहीं आता है क्या, क्या हुआ जल्दी है इतनी जल्दी? कहता है वो बात नहीं है सर, मैं जिसके भरोसे आया था वो खुद ही मुझसे पूछ रहा है। अब लो भैया क्या बताएं। इसीलिए कहता हूँ कि किसी से उम्मीद लगाने से अच्छा, अब बोर्ड एग्जाम में अगर किसी से उम्मीद लगा के बैठोगे तो यही होगा ना, उसका पेपर तो खराब होगा ही, साथ साथ आपका पेपर भी खराब होगा। इसीलिए कहता हूँ कि किसी से उम्मीद लगाने से अच्छा है मुल्तानी मिट्टी लगाओ। किसी से उम्मीद लगाने से अच्छा है कि मुल्तानी मिट्टी लगाओ, रंग भी गोरा हो जाएगा और दिल को भी सुकून मिलेगा। इसी बात पे एक शेर और अर्ज किया है, गौर फरमाइए। वाह 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 वाह, हम ही बोल लेते हैं। हमें तो टीचर ने मारा, पापा में कहां दम था। हमें तो टीचर ने मारा, पापा में कहां दम था। मैं तो फिजिक्स में फेल हो गया, केमिस्ट्री में कहां दम था। उसके बाद कहा है कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जो क्वेश्चन पहले आ रहा हो उसे पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ा जाता है मामला। हाँ सही बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट के एग्जाम के जब 15 मिनट केवल बचते हैं ना, तो हर स्टूडेंट के शरीर में डॉक्टर की आत्मा प्रवेश कर जाती है। फिर इतना स्पीड से लिखता है, खचा खच खचा खच खचा खच खचा खच, इतनी स्पीड से लिखता है कि मान कोई पढ़ ही नहीं सकता है, बस लिखा होता है। और एग्जामिनर के चश्मे का नंबर अगर ज्यादा हुआ तो वो आपके नंबर कम कर देता है। फिलहाल रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ये नब्ज वाली बात कही है, सही बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जिस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा वही एग्जाम में आएगा। सही पकड़े हैं। क्या बात है, बैठ के रो। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, मेरे यानी दिलखुश दीपक के साथ। एक गाने के बाद लौट के आते हैं और सारी बातें बताते हैं। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, मेरे यानी दिलखुश दीपक के साथ। अ वेरी गुड इवनिंग। अरे अभी तो पार्टी शुरू हो रही है। ओहो क्या बात है, गाने शाने, एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली, कांग्रेचुलेशन यार, पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा इसी फोन का कमाल है, शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है
जहाँ पर मैथ से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इन्फॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजे द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड, walking bike and for persons with disabilities. Empowered thousands of persons with disabilities since 1997. Creating new opportunities for employment, education and skill development through the training courses. Samarthanam Trust for the Disabled, backbone of Indian Blind Cricket Team, loves nature and preserving it. Working in 6 states with more than 500 employees, making persons with disability financially and economically stable. For more info, log on to www.samarthanam.org or you can send mail to support@samarthanam.org or info@samarthanam.org. Samarthanam Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability. एंड वेरी गुड इवनिंग, मेरा नाम है दिलखुश दीपक, शो चल रहा है एंटरटेनमेंट हाउस और आज मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम्स के बवाल की, बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन की, बोर्ड एग्जाम्स के टेंशन की और खासकर उन बच्चों की जो पढ़ते लिखते नहीं हैं। पढ़ने वाले बच्चे तो हर चीज फतह कर जाते हैं, हर एग्जाम फतह कर जाते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं उनके क्या हालात होते हैं वही मैं बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए अगर बॉलीवुड डायलॉग्स जो है पढ़ाई के ऊपर हो, ठीक है, जैसे शाहरुख खान का फेमस डायलॉग है, दिल तो सबके पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। अगर ये डायलॉग जो है किताब के ऊपर हो, बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर हो तो कैसे होगा? बुक्स तो सबके पास होते हैं लेकिन सब पढ़ने वाले नहीं होते। सही पकड़े हैं। सही का ए, 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 ए,
अक्षय कुमार साहब क्या कहेंगे भैया? जो मैं पढ़ता हूँ वो एग्जाम में नहीं आता है, और जो मैं नहीं पढ़ता हूँ वो एग्जाम में डेफिनेटली आता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मुझे भी नहीं पता। और बच्चे सोचते हैं सुबह जल्दी उठेंगे और फटाक से पढ़ लेंगे, क्यों आज पढ़ेंगे नहीं कल पढ़ेंगे। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, आज सुबह से पढ़ेंगे, नहीं नहीं दोपहर से पढ़ेंगे, नहीं नहीं शाम को पढ़ेंगे फ्री होकर के एकदम से। फिर जब शाम को पढ़ने की बारी आएगी, नींद आ रही है यार, कल सुबह से पढ़ेंगे। और फिर अलार्म लगा देते हैं, और अलार्म लगने के बाद फिर जानते हो क्या होता है, कोई नहीं उठता है। इसीलिए कहना चाहता हूँ कि मॉर्निंग अलार्म तो लगाता हर कोई है, लेकिन उठता कोई नहीं। हाँ, और एक चीज और, अगर गलती से जिस बच्चे को कुछ ना आ रहा हो और वो बोर्ड एग्जाम में एग्जाम हॉल में सबसे पहली सीट पे बैठ जाए, कहाँ बैठ जाए, सबसे पहली सीट पर बैठ जाए, और उसका दोस्त एग्जाम हॉल में सबसे आखिरी सीट पर बैठ जाए, तो वो पहली बेंच वाला लड़का लास्ट बेंच वाले लड़के से क्या कहेगा, सुनिए। क्यों नहीं हुआ है? बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूँ मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर। एकदम सही, तो इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन पेपर सही सॉल्व करिए, सही सही पढ़ के जाइए भैया। छोटे से गाने के बाद लौट के आपको बताते हैं कि स्टूडेंट कितने तरह के होते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी देर में, गाने के बाद। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड इवनिंग। नाश्ता चल रहा है, क्या बात है। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना, सुनकर कहीं ना तुम बुरा मान जाना। मैंने किया है प्यार पहली बार, मैंने किया है प्यार पहली बार। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना, सुनकर कहीं ना तुम बुरा मान जाना। मैंने किया है प्यार पहली बार, मैंने किया है प्यार पहली बार। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। Ni
चुका, कैसे न चाहे जी। एक बार फिर से आ गया हूँ शो एंटरटेनमेंट हाउस लेकर के, नाम है मेरा दिल खुश दीपक। अब तो रट गया होगा, है कि नहीं? भले एग्जाम में आपको कुछ रट गया हो चाहे ना रट गया हो, मेरा नाम तो रट गया होगा, है कि नहीं? लेकिन नाम नहीं, अपने काम की चीजें रटिए, रट्टा मार, है कि नहीं? बोर्ड एग्जाम है। हाँ, फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ उस स्टूडेंट की जो तीन तरह के होते हैं और वो अक्सर आपके क्लासरूम में पाए जाते हैं। नंबर एक, एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है, होनहार छात्र होता है और वो सबको पिटवाता है। जैसे ही क्लास में टीचर आते हैं वो खड़ा होकर कहता है, सर आज आपने टेस्ट लेने को बोला था। लो, सबकी फजीहत हो गई। दूसरे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एवरेज होते हैं, ज्यादा पढ़ने में अच्छे भी नहीं होते और ज्यादा तेज भी नहीं होते और ज्यादा खराब भी नहीं होते हैं। वो कहते हैं, सर आज आपने कॉपी चेक करने को बोला था। लेकिन जो तीसरी और सबसे लास्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो बड़े कमाल के होते हैं। उनको ना कॉपी चेक करानी है ना उनको टेस्ट देना है, वो सीधे ही जैसे टीचर क्लास में आते हैं खड़े हो जाएंगे चुपचाप और बोलेंगे, मे आई गो आउट टू टॉयलेट। फिर टीचर अच्छे से टॉयलेट निकालते हैं उनकी, मतलब सुताई। फिलहाल चलते हैं एक गाने की तरफ, लौट के आते हैं तो आपको बताते हैं कुछ चटपटी बातें। बहुत हो गया बोर्ड एग्जाम के बारे में, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, है कि नहीं? थोड़ी सी देर में सुनते रहिए रेडियो उड़ान मेरे यानी दिलखुश दीपक के साथ, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। काश मेरे पास कोई ऐसा ब्रेल डिस्प्ले होता जिसे मैं अपने कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर पाती, फोन से भी कनेक्ट कर पाती, आराम से अपने कॉलेज में नोट्स ले पाती और जब मन करता ई बुक्स भी ब्रेल में पढ़ पाती। तो प्रॉब्लम क्या है, खरीद लो ना। खरीद लूं? जानती भी हो ऐसा ब्रेल डिस्प्ले कितना महंगा आता है? अरे तुम्हें नहीं पता, सक्षम अब हमारे लिए लेकर आया है इंडिया का पहला पोर्टेबल लाइट वेट ब्रेल डिस्प्ले ब्रेल मी, जिसमें मार्केट में मिलने वाले बाकी ब्रेल डिस्प्ले के फीचर्स तो है ही, साथ साथ ये उन सभी ब्रेल डिस्प्ले से 10 टाइम्स ज्यादा सस्ता है। क्या बात कर रही हो, 10 टाइम्स ज्यादा सस्ता? पर क्या ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है? नहीं नहीं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं, करंटली ये मराठी, हिंदी, गुजराती और मलयालम में भी अवेलेबल है और जल्दी इसमें बाकी के रीजनल लैंग्वेजेस को भी ऐड कर दिया जाएगा। और तुम्हें ये जानकर और भी खुशी होगी कि इसकी बैटरी कम से कम 12 से 15 घंटे आराम से चलती है। वाओ, फिर तो ये ब्रेल डिस्प्ले मैं जल्दी खरीद लूंगी। इसे खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे खरीदने के लिए या फिर और जानकारी पाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 011-424-11015 पर, या फिर विजिट कर सकते हैं सक्षम की वेबसाइट जो कि है www.saksham.org। मैं तो अभी कॉल करने जा रही हूँ और आप भी ले सकते हैं अपना पोर्टेबल ब्रेल डिस्प्ले ब्रेल मी। Oh,
हर सितम जो मुझ पे कुछ सोच के किया है, कुदरत ने सिला उसका आखिर तुझे दिया है। दुनिया शिकस्त तेरी सरे उसने कहा कि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, मैंने चाय में फेविकोल घोल के पिला दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, मेरा नाम है दिलखुश दीपक और वापस आ चुका हूँ एक बार फिर से आपको हंसाने, आपको गुदगुदाने। चल रहा है वैलेंटाइन वीक, वैलेंटाइन डे अभी नहीं आया है, चल रहा है। पहले अब क्या बताएं, फिलहाल आगे चलते हैं। जो एक्चुअल में प्यार होता है ना, प्यार होता क्या है, मान भी जाओ से लेकर के भाड़ में जाओ, इन दोनों के बीच का जो सफर होता है ना, ये होता है वैलेंटाइन वीक में होने वाला प्यार। सही पकड़े हैं। तो कहना चाहूंगा कि हर बात पे जो मुंह फुला लेते हो, पिछले जन्म में गुब्बारा थे क्या? बोलिए, अब सफाई देने की जरूरत नहीं है, हर किसी को सफाई मत दीजिए। आपसे कहना चाहूंगा हर किसी को सफाई मत दीजिए, आप इंसान हैं, डिटर्जेंट पाउडर नहीं। वाओ, बात समझिए, ठीक है कि नहीं। और जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा कि आजकल के हर लड़के को पराठे और हर लड़की को कराटे सीखना चाहिए, क्योंकि कब इन चीजों की जरूरत पड़ जाए आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। फिलहाल इतना जरूर पता है कि एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा गुदगुदाता हुआ बढ़िया सा एनर्जी से भरपूर कर देने वाला गाना आ रहा है। इस गाने को सुनते हैं, फिर आपको हम लौट के आते हैं तो बोर्ड एग्जाम्स के कुछ टिप्स बताते हैं। तैयारी भी तो होनी चाहिए एग्जाम में, है कि नहीं। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो उड़ान, मेरे यानी दिलखुश दीपक के साथ अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। लौट के आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। यार तू आजकल क्लास में बहुत आंसर्स दे रही है, कोई मेमोरी बढ़ाने की मेडिसिन ले रही है क्या? ये मेरी मेमोरी का कमाल नहीं, ईवो E5 डेजी प्लेयर का कमाल है, जिसने हम विजुअली चैलेंज लोगों की स्टडीज को और आसान बना दिया है। ओ, तो ऐसी भी क्या खास बात है इस ईवो E5 में? अरे ई बुक्स पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है स्टॉप वॉच, वॉइस रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, टॉकिंग कंपास, FM रेडियो जैसी यूजफुल चीजें एक साथ है। अमेजिंग। लेकिन यार PDF फाइल्स पढ़ने का भी कोई जुगाड़ है इसमें? अरे PDF टेक्स्ट के अलावा e-text, EPUB, डॉक्यूमेंट फाइल और HTML फाइल्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसे संभालेगा कौन? अरे ये तेरी पॉकेट में आसानी से आ जाएगा। बैटरी के साथ इसका वेट सिर्फ 76 ग्राम्स है। इंटरनल फ्लैश कैपेसिटी 4 से 8 GB, सपोर्टेड माइक्रो SD कार्ड, एक्सपेंडेबल मेमोरी अप टू 32 GB। बस बस यार जल्दी बताइए, मिलेगा कहाँ से? अरे और कहाँ, सक्षम से। हेल्पलाइन नंबर दूं क्या? अरे मेरे पास भी है 01164650655। ईवो E5 डेजी प्लेयर न्यूआंस वोकलाइजर के साथ अंग्रेजी के अलावा 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये भाषाएं हैं हिंदी, कन्नड़, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु। ईवो E5 डेजी प्लेयर के लिए थैंक्स सक्षम। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिलीप जोशी, तारक मेहता खल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान
a flight of life. For more info, log on to www.radiouran.com. Subscribe our YouTube channel, Radio Udaan. Stay tuned, keep listening, Radio Udaan. दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा। महकी रात में चुरा के सारे किया है तो निभाना पड़ेगा। और उस वादे को निभाने के लिए हम आ गए हैं आपको बोर्ड एग्जाम्स के चलते चलते कुछ टिप्स बताने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके लाइफ के इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं और उन्हीं चैप्टर में से ये एक है बोर्ड एग्जाम। और इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए कुछ टिप्स बता देते हैं। सबसे पहले तो आपका जो भी चीज है, आपको जो भी चीजें याद करनी है, जो भी चीजें तैयार करनी है, उसको आप कैटेगराइज कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपके बहुत ज्यादा टफ
टॉपिक्स हैं उनको अलग कर लीजिए, जो टफ हैं बट कम टफ हैं उनको अलग कर लीजिए, और जो बहुत ज्यादा इजी हैं उनको भी अलग कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, बहुत ज्यादा बहुत कठिन चीजें हैं उनको पहले आप तैयार करिए, फिर कठिन चीजों को तैयार करिए, और फिर सरल चीजों को, क्योंकि सरल चीजों को तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो टफ चीजों को जो इंपॉर्टेंट है और जो टफ भी है उनको आप तैयार कीजिए, इससे क्या होगा उनको आपको तैयार करने पर जोर देना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप नोट्स से अगर पढ़ेंगे, जो आपके द्वारा बनाई गई नोट्स हैं या जो आप रिवाइज करते हैं, रिमेम्बर करते हैं, लर्न करते हैं, तो उसी के अनुसार नोट्स बनाते जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि स्पीड से पढ़ें, स्पीड से जब पढ़ेंगे तो आपका ध्यान एकाग्रचित रहेगा, और हाँ बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए, क्योंकि ब्रेक बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें आप याद कर रहे हैं, उन्हें अपनी आंखें बंद करके दोहराएं। ये तो थी थोड़ी सी खास बातें, लेकिन थोड़ी सी देर में लौट के आते हैं तो आपको कुछ और बोर्ड एग्जाम्स के टिप्स देते हैं। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, मेरे यानी दिलखुश दीपक के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ खास टिप्स भी, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, सिर्फ एक गाने के बाद। मैं आनंद आठलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का माननीय सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है, और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 02266838637। सोच के बोला होगा तुमने, ये प्यार भी तोला होगा तुमने, अब ना है तो फिर ना सही दिलबर, इस दिल को ये समझा लिया हमने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता था, ये जान लेती जो मेरी नजर से देखा होता तुमने, इस बात का बस गम हुआ मुझको, थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता
अब और क्या कहना होगा हमने, करना था जो वो कर लिया तुमने। शायद रहूं या ना रहूं दिलबर, बदला कभी ये फैसला तुमने। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। वेरी गुड इवनिंग, एक बार फिर से आ चुका हूँ मैं शिव एंटरटेनमेंट हाउस लेकर के, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स के टिप्स लेकर के। आपको सबसे बड़ी चीज तो ये ध्यान देनी है कि आसन और प्राणायाम जरूर करें सुबह का समय निकाल करके, क्योंकि ऐसा करने से आपका ध्यान कहीं भटकेगा नहीं, एकाग्रचित होकर रहेगा, थोड़ा सा मूड फ्रेश रहेगा, मन हल्का रहेगा। इससे आपको पढ़ने में, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। दूसरी चीज आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी लेसन को पढ़ें, ठीक है, तो किसी चीज को जब आप तैयार कर रहे हैं तो जब तक आपका एक लेसन या एक टॉपिक तैयार ना हो जाए तब तक दूसरे लेसन या दूसरे टॉपिक में बिल्कुल भी ना जाए। ऐसा करने से या बीच में छोड़ने से, बार बार बदल से आप भूल सकते हैं और आपका समय भी खराब होगा। इसीलिए ध्यान दें कि जब आपकी एक चीज तैयार हो जाए तभी दूसरी चीज को तैयार करें, एक चीज से फुर्सत हो जाए तभी दूसरी चीज को तैयार करें, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, समय का विशेष ध्यान रखें, पढ़ने के लिए समय को निश्चित कर लें और उसका दृढ़ता से पालन करें। ये नहीं कि अरे 10 बजे से पढ़ना है तो 8 बजे पढ़ लेंगे, 9 बजे पढ़ लेंगे, बस डिसाइड कर लें कि इतने समय से पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। और चलते चलते एक बात और भी कहना चाहूंगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस कहावत को ध्यान रखें, इस दोहे को याद रखें, तभी आप सफलता पाएंगे। कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, फिर कल कभी नहीं आएगा, हैं? फिलहाल अब मैं अगले हफ्ते ही आऊंगा। बस इसी बातों के साथ आपसे लेता हूं इजाजत। अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। पता नहीं दांत कब तक साथ दें ना दें, इसलिए हमेशा लाइफ की हर सिचुएशन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दूसरी चीज, अच्छे से एग्जाम दीजिए और इसी तरह मेरा शो भी सुनते रहिए हर शनिवार रात 8 से 9 और हर रविवार शाम 3 से 4 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। और हाँ, आपको मेरा शो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज दिल खुश दीपक नाम से प्रोफाइल है, वहां जाकर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। साथ ही साथ मेरे शो के बारे में अच्छा, खराब, बहुत अच्छा, बहुत खराब कुछ भी बताना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8574989921 एक बार फिर से सुन लीजिए 8574989921 पर बता सकते हैं बिल्कुल। फिलहाल अब चलने का समय हो गया है, चलता हूँ, टाटा बाय बाय करता हूँ। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिंदगी 4 दिन की है और ये जिंदगी एक ऐसी चीज है कि जिंदगी में हर चीज की कीमत समझो, क्योंकि जिंदगी और लोग सिर्फ एक ही बार आते हैं, बार बार नहीं। फिलहाल अभी चलता हूँ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। अलविदा मिस्टर खन्ना। माय माय, व्हाट उर्दू, हाँ?
अजीब इत्तफाक है क्या मुलाकात है, अजीब इत्तफाक है क्या मुलाकात है, मिल गए आज फिर कोई तो बात है। तकल्लुफ छोड़िए आज तारुफ कीजिए, आए और चल दिए दूर से, अलविदा दूर से, अलविदा दूर से, अलविदा ना कहो अलविदा। चलते चलते राहों में रुकने लगा हूँ, ऐसा तो नहीं था जैसा हो गया हूँ। आए हवा तो मिलू मुस्कुरा के, किससे सुनाऊं करूँ तेरी बातें। छोड़िए आज तारुफ कीजिए, आए और चल दिए दूर से, अलविदा दूर से, अलविदा दूर से, अलविदा ना कहो अलविदा। अलविदा ना कहो अलविदा।